स्टूडेंट्स, इससे पिछला वीडियो में हम लोगों ने एनसीईआरटी 11th क्लास में किंगडम मोनेरा के बारे में स्टडी किए थे। उसमें हम लोग आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा के बारे में जो एनसीईआरटी में जो फैक्ट्स दिया है उसको हम लोगों ने बहुत ही इजीली रूप से स्टडी कर लिए थे। उसके बाद हमारा आता है किंगडम प्रोटिस्टा। तो किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि एनसीईआरटी किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में क्या कहता है। तो विदाउट एनी डिले हम लोग जो है ब्लैक बोर्ड पर आते हैं और इस फैक्ट्स को देखते हैं कि अबाउट प्रोटिस्टा क्या है, क्या कह रहा है एनसीईआरटी हमारा। स्टूडेंट्स, प्रोटिस्टा के बारे में एनसीईआरटी लिखता है, ऑल सिंगल्स यूकैरियोट्स आर प्लेस्ड अंडर प्रोटिस्टा। ध्यान देने वाली बात है यहाँ पे, जितने सिंगल सेल यूकैरियोट्स हैं, तो सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स जो भी आएंगे वो हमारा प्रोटिस्टा में प्लेस्ड होगा, यानी कि वो प्रोटिस्टा के ग्रुप में शामिल होगा जितने भी सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स होंगे। यूकैरियोट्स हम लोग सब आदमी जानते हैं इस बात को कि यूकैरियोट्स मींस कि उसके पास मॉडर्न टाइप ऑफ न्यूक्लियस विद्यमान होगा, प्लेस्ड अंडर प्रोटिस्टा। बट लेकिन द बाउंड्रीज ऑफ दिस किंगडम आर नॉट वेल डिफाइंड, व्हाट मे बी फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टियन टू वन बायोलॉजिस्ट मे बी ए प्लांट टू अनदर। मीन्स क्या हुआ कि प्रोटिस्टा किंगडम का कोई फिक्स्ड बाउंड्रीज नहीं है, ये ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को भी कैरी आउट करता है और यह हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को भी कैरी आउट करता है। उसके बाद ये सेल वॉल कंटेन भी करता है और विदाउट सेल वॉल भी है, तो इसका कोई फिक्स्ड बाउंड्री नहीं है। इसीलिए एनसीईआरटी ने ये टर्म दिया यहाँ पे कि प्रोटिस्टा हैव नॉट डिफाइंड बाउंड्री। नेक्स्ट है, इन दिस बुक यानी कि इस एनसीईआरटी में वी इंक्लूड क्रिसोफाइट्स डायनोफ्लैजेलेट्स, क्रिसोफाइट्स डायनोफ्लैजेलेट्स यूग्लेनोइड्स स्लाइम मोल्ड्स एंड प्रोटोजोआ जो है प्रोटिस्टा के अंदर शामिल किया है, और इसको हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे, क्रिसोफाइट्स के बारे में, डायनोफ्लैजेलेट्स के बारे में, यूग्लेनोइड्स के बारे में, स्लाइम मोल्ड्स के बारे में और प्रोटोजोआ के बारे में हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे। ये इंट्रोडक्टरी पॉइंट है अबाउट किंगडम प्रोटिस्टा का। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि मेंबर्स ऑफ प्रोटिस्टा आर प्राइमरली एक्वेटिक। मींस क्या हुआ कि जो मेंबर्स होंगे प्रोटिस्टा किंगडम का, वह मोस्ट ऑफ द मेंबर्स जो होंगे वह एक्वेटिक होंगे, वह जल में रहने वाले होंगे। बींग यूकैरियोट्स द प्रोटिस्टियन सेल बॉडी कंटेन्स ए वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। बिल्कुल सही बात है, जब ही कोई सेल यूकैरियोटिक होगा तो उसमें वेल डिफाइंड हमारा न्यूक्लियस होगा ही, उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा। एंड अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स, अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स का मीन्स है कि उसमें माइटोकॉन्ड्रिया होगा, उसमें क्लोरोप्लास्ट होगा, लाइसोसोम होगा, राइबोसोम होगा, न्यूक्लियस होगा, जो जो ऑर्गेन को मेम्ब्रेन से वो ढका हो, सराउंडेड हो, उसको हम लोग मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स कहते हैं, तो ये प्रोटिस्टा के पास होगा। सम हैव फ्लाजेला और सीलिया, कुछ प्रोटिस्टा मेंबर्स में फ्लेजेला होगा, कुछ के पास सीलिया होगा। हम लोग जानते हैं कि फ्लेजेला जो है या फिर सीलिया सेल को मूवमेंट कराने में हेल्प करता है। प्रोटिस्टा रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली, ये प्रोटिस्टा के जो मेंबर हैं वह एसेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस कर सकता है और सेक्सुअली भी प्रोड्यूस कर सकता है, यानी यह लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन भी कर सकता है। अगर ये लैंगिक जनन करता है यानी ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, तो बाय ए प्रोसेस इन्वॉल्विंग सेल फ्यूजन दो सेल आपस में फ्यूज कर जाएंगे और जायगोट फॉर्मेशन होंगे। तो ये सब जो है
प्रोटिस्टा का एक इंट्रोडक्टरी दिया हुआ है इन द एनसीईआरटी 11th क्लास बायोलॉजी। तो ये हम लोगों ने आज के इस वीडियो में प्रोटिस्टा के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू हम लोग देख चुके हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्रिसोफाइट्स के बारे में पढ़ेंगे जो इसके मेंबर्स हैं, यानी कि प्रोटिस्टा को जो क्लासिफाइड किया गया है तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, ये हम डिस्क्रिप्शन में आपको एनसीईआरटी प्लस वन का जो इस चैप्टर से रिलेटेड जो वीडियो है उसका मैं लिंक दे दूंगा। तो जो बच्चे प्रोटिस्टा से, जो बच्चे नए हैं हमारे चैनल पे नए आए हैं, तो वो बच्चों के लिए डिस्क्रिप्शन वाला लिंक काफ़ी फायदेमंद होगा कि वो उसका कोई लिंक टूटेगा नहीं और वह बड़ा ही आसानी से हमारे वीडियो से फ़ायदा ले लेगा। स्टूडेंट्स, एक और बात हम आप लोगों से शेयर करना चाहेंगे कि हमारा एक ब्लॉग है, माई ब्लॉग careerwithbiology.blogspot.com, उस पर आप आइए, विजिट कीजिए और करियर रिलेटेड जो बायोलॉजी में जो करियर रिलेटेड जितने भी प्रोग्राम चलते हैं हमारे पूरे भारतवर्ष में, तो उससे संबंधित मैं वहाँ पे ब्लॉग लिखता हूँ जो आपके लिए काफ़ी मददगार साबित होने वाला है। आफ्टर पासिंग द 12th बोर्ड विद फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी या एग्रीकल्चर, या आफ्टर BSc बॉटनी या फिर आफ्टर BSc जूलॉजी, तो निश्चित तौर पे हमारा वो लिंक आपके लिए फायदेमंद होगा। इसी के साथ मैं इस वीडियो से विदा लेता हूँ। जय।